स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नई क्लास में जुड़ चुके हैं। टारगेट की ऑनलाइन क्लासों में आप जुड़ चुके हैं। तो हमारा जो क्लास चल रही थी पिछली क्लास, उसमें हमने आज की क्लास के पहले चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा थे इसका, और वो चैप्टर था परिवेशन के रिलेशन नंबर। और उस रिलेशन नंबर में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, किसके परिमेय कहते हैं, किसको अपरिमेय कहते हैं, इसकी शर्तों के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने ये स्टडी किया था कि जो परिमेय संख्या है उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, यानी उनमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो हमने संवर्त नियम पढ़ रहे थे पहले हम, और संवर्त में हम योग का नियम पढ़ रहे थे, यानी जोड़ने का नियम पढ़ रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के संवर्त नियम, और ये पहला जो संवर्त नियम पढ़ रहे थे हम, वो पढ़ रहे थे योग के लिए। उसमें हमने आपको जोड़ना सिखाया था। जोड़ने में क्या किया था, हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा था, और दो परिमेय संख्याओं को हमने दो विधियों से जोड़ा था। दो विधियां कौन कौन सी थी, एक तो थी संख्या रेखा विधि, यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाकर उनको जोड़ सकते थे। दूसरा हमने पढ़ा था लघुतम लेके, ठीक है। हमने उसमें पिछला जो हमें एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल लिया था कि हमने 5/3, ठीक है, और प्लस 2/5 को हमने जोड़ा था। 5/3 और 2/5 को दोनों ही तरीकों से हमने आंसर निकाला था। तो पहले लेसन वाला देख लेते हैं कि लेसन क्या क्या था। लेसन में जो भी नीचे वाला हर होता है, इसका हर 5 है, इसका हर 3 है, इन हर को आपस में गुणा कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरे में भी क्या क्या था, इसके हर को इसके अंश से गुणा करते हैं, यानी 5 × 5 प्लस इसके हर को इधर वाले अंश से गुणा करते हैं, यानी 3 × 2। तो ये हो गया 5 को 5 से गुणा किया 25, प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6/5 को 3 से गुणा किया 15। तो हमारा आंसर हो गया 25 को जब 6 में जोड़ेंगे तो 31/15। ये संख्या की हमारी किस प्रकार आ रही है, P/Q में, और ये दोनों भी कैसी थी, P/Q में। जो संवर्त नियम ने हमें बताया था कि दो संख्याएं हैं वो समान कैटेगरी की है, यानी पूर्णांक पूर्णांक है, प्राकृत प्राकृत है, पूर्ण पूर्ण है, वैसे ही दोनों संख्याएं परिमेय परिमेय है, तो इनका योग भी यदि एक परिमेय संख्या आ रहा है तो वो इसके लिए एक संवर्त नियम होगा, ठीक है। तो इसे हम संवर्त नियम कहते हैं, यानी योग के लिए संवर्त नियम लागू होता है परिमेय संख्याओं से। तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए संवर्त नियम सत्य है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं इधर घटाने के लिए, जैसे कह सकते हैं व्यवकलन के लिए, यानी पहला हमने पढ़ा योग या जोड़ के लिए संवर्त नियम, जिसमें ये संवर्त नियम सत्य हो रहा था, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी भी परिमेय आ रही थी, इनका योग भी क्या हो रहा था, परिमेय, इसका मतलब इसके लिए संवर्त नियम सत्य है। दूसरी बात करें तो हम बात कर रहे हैं योग व्यवकलन या घटाने के लिए। हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है 3/2, दूसरी है 1/4। दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को घटाने पर यदि फिर से परिमेय संख्या आती है तो वह इसके लिए सत्य है, यानी संवर्त नियम इसके लिए भी क्या होगा, सत्य। तो घटाने के लिए वही दो विधियां हैं। दो विधियां कौन सी, एक संख्या रेखा विधि, संख्या रेखा विधि, और दूसरी थी लेस लेके विधि, ठीक है। संख्या रेखा के लिए हम क्या करते हैं, तो पहला जो हम संख्या रेखा के लिए पढ़ रहे हैं उसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हमारे पास जो भी दो संख्या हैं जिनको हम घटा रहे हैं,
घटाना है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा। यदि हम इन दोनों को घटा रहे हैं तो घटाने के लिए हमने ये पढ़ा था कि दोनों के जो हर हैं वो समान होने चाहिए। हर समान करने के लिए हमने क्या किया था कि इसके अंश हर को इसके दोनों से गुणा करना है और इसके हर को इन दोनों से गुणा करना है, समझ गए। तो ये हो जाएगा 3/2। यदि मैं इसको दो दो से गुणा कर दूं तो यहाँ नीचे 4 आ रहा है, ठीक है, यानी 2 का गुणा 4 हो रहा है। तो 2 का गुणा 4 होता है तो इसका मतलब 2 को 4 से गुणा करने, 4 बनाने के लिए नीचे से गुणा करना पड़ेगा 2 से। यदि हम नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को किससे गुणा करेंगे, 2 से, यानी ये नया नंबर हो गया 6/4, यानी ये 3/2 था, 3/2 था, अब वो 6/4 बन चुका है। तो हमें यहाँ पे दूसरा जो नंबर है हमारा वो 1/4 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ बटे में भी 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों के हर समान है और हर समान है तो इनको आप आसानी से घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए संख्या रेखा पद्धति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने लिया 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आगे भी है नंबर, लेकिन हम इतने ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे हर 4 है, सभी में 4-4 का भाग दे देंगे, ठीक है। हमारा जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 6/4, ठीक है। 6/4 कहाँ पर है, ये रहा हमारा 6/4। और हमें माइनस करना है। अब देखो प्लस करते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ठीक है। जब भी इधर वाली संख्या के पहले जो चिन्ह लगा होगा उस चिन्ह के अनुसार देखो, हमें पता है कि माइनस किधर होता है, बाईं ओर होता है। माइनस वाली संख्या किस ओर होती है, बाईं ओर, और पॉजिटिव संख्या दाईं ओर होती है। तो यहाँ पे जब प्लस किया था तो प्लस में दाईं ओर होती संख्या है तो इसलिए हम दाईं ओर चले गए थे। यहाँ पे संख्या माइनस में आ रही है, यानी माइनस का 1/4 है, कितना हो गया माइनस का 1/4, यानी हमें माइनस की तरफ चलना है, इधर बाईं ओर चलना है। 6/4 से देखो 4-4 समान है तो इसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे ऊपर 6 है और यहाँ ऊपर कितना है 1, यानी 6/4 तो मिल गया बड़ी संख्या, उससे एक कदम इधर चलना है, एक कदम बाईं ओर चलना है, एक ही तो इधर, एक कदम बाईं ओर चले कितने पे आ गए, 5/4 पर। तो हमारा घटाने पर आंसर कितना आएगा, इसको 5/4 कितना आएगा, 5/4। ये तो गई संख्या रेखा विधि। क्या किया दोबारा देख ले एक बार, पहले हमने दोनों के हर बराबर किए, इसका 6/4 हो गया 3/2 का, इसका 1/4 ही रहेगा। फिर हमने सभी को नंबर लिखे संख्या रेखा पे, हर समान है, 4-4 है तो सभी में 4 का डिवाइड करेंगे। फिर बड़ा नंबर देगा 6/4 हमें मिल गया। अब हमें माइनस का चिन्ह लगा है तो दाईं बाईं ओर चलना है, यदि प्लस का चिन्ह लगा होता तो दाईं ओर जाते। तो यहाँ पे 6/4 से एक कदम ऊपर कितना है, एक, यानी 6 से एक कदम इधर आना है तो एक कदम इधर आया तो कितना आ गया, 5/4, यानी हमारी जो योग घटाना कितना होगा इसका, 5/4 योग गया व्युत्क्रम, यानी घटाना। किस विधि से, संख्या रेखा विधि से। संख्या रेखा विधि से 3/2 को 1/4 से घटाने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5/4। दूसरी विधि है ल से लेकर, ल से लेकर देखो, ल से में क्या किया था हमने, इन दोनों का गुणा कहाँ लिखते हैं, बटे के नीचे, यानी 2/4। फिर क्या किया था देखो, नीचे का गुणा लिखा था हमने यहाँ पे। अब इस संख्या को इसके अंश से गुणा करेंगे 3/4 माइनस इसके हर को इसके अंश से गुणा करेंगे 2/1, जो चिनिया होगा वही चिनिया इनके बीच में लगा देंगे, इनका गुणा हो गया 4 3 12 माइनस 2 1 2 और 4 2 8, ये हो गया 12 में से 2 गया तो 10 और 8। अब देखो इसको पहले को लिखते हैं 5 × 2 और इसको लिखते हैं 4 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, समान नंबर है, तो अब कितना बचा, 5
बटे फोर, ये वाला आंसर आ गया ना वापस। ठीक है, हमने दो परिमेय संख्या बैठाया और बैठाने पर हमारी संख्या भी कैसी आ रही है, परिमेय आ रही है, नहीं बटा क्यों आ रही है। इसका मतलब घटाने के लिए ये नियम क्या है, समर्थ है, यानी इसके लिए भी नियम क्या है, सत्य है, समर्थ नियम। ठीक है, तो हमने समर्थ नियम दो तरीकों से देख लिया, योग के लिए भी और व्यवकलन के लिए भी, और व्यवकलन में भी योग हमने जो जैसे पढ़े हैं, एक तो संख्या रेखा भी दी और दूसरी है लेस लेकर या एलसीएम लेकर भी दी। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं का समवर्त नियम तीसरे नंबर यानी गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए देखो, दो परिमेय संख्याओं गुणा कर रहे हैं, दो बटा चार, दो बटा सात गुणा पांच बटे तीन, इन दोनों गुणा करें तो गुणा करने का नियम क्या है, मैंने बताया था अंश है वो अंश से गुणा होगा और जो हर है वो हर से ही गुणा होगा। यहाँ पे अंश दो और पांच है तो आपस में गुणा हो जाएंगे, हर तीन और सात है तो आपस में गुणा हो जाएंगे, ये हो गया दो गुणा पांच बटे सात गुणा तीन, ये हो गया दस बटे इक्कीस। अब देखो दो परिमेय संख्याएं थी, दोनों परिमेय संख्या गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आया, परिमेय संख्या। इसे एक एग्जांपल ले ले, जीरो को गुणा किया हमने एक बटा चार से, इसके नीचे एक मान सकते हैं, मैंने कहा था सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, पूर्णांक परिमेय क्यों होते हैं, जैसे दो है परिमेय है क्यों है, चार है परिमेय है क्यों है, तीन परिमेय है क्यों है, क्योंकि सभी के नीचे हम एक लगा सकते हैं, तो बी बटा क्यू बन जाएगा सभी मान, इसका मतलब सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं, क्या होते हैं परिमेय, ऐसे जीरो भी पूर्णांक है वो परिमेय है। इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो चार, और जीरो में चार का भाग देने पर क्या जाएगा जीरो, यानी फिर से परिमेय नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है कि दो परिमेय संख्या गुणा करने पर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये गुणा के लिए सत्य है, इसके लिए है गुणा के लिए सत्य है, यानी जोड़ के लिए सत्य, घटाने के लिए सत्य, गुणा के लिए भी सत्य। अब चौथा नियम देख लेते हैं, इसका चौथी संक्रिया हमारी होती है भाग संक्रिया, तो भाग के लिए देखते हैं कि ये समर्थ नियम सत्य है या नहीं है। तो भाग के लिए देखें तो जैसे दो परिमेय संख्या है दो बटा तीन, और इसमें भाग दे रहे हैं एक बटा छः का, एक बटा छः का भाग दे, तो यहाँ पे देखें भाग करने का तरीका, भाग करने का तरीका ये है कि दो बटा तीन जो पहली संख्या है वो ऐसे कैसे देगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ये वाला जो चिन्ह है भाग का वो इसमें बदल जाएगा गुणा में, और इससे आगे वाला जो दस नंबर है वो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका प्रतिलोम हो जाएगा, यानी छः बटा एक हो जाएगा, देखो व्युत्क्रम, एक भाग का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है इसे प्रतिलोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जो हमें संख्या दी गई ना उसके अंश को हर और हर को अंश बना देना, जैसे आपकी संख्या है अंश और हर, ठीक है, इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो व्युत्क्रम क्या होगा, यानी हर हर ऊपर चला जाएगा, अंश क्या आ जाएगा नीचे, योग है इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा ये, यानी हर को अंश और अंश को हर, तो यहाँ पे इसका हर छः था ऊपर आ गया और इसका अंश एक था वो नीचे आ गया, अब इनको गुणा कर देंगे ऊपर वाले से नीचे वाला नीचे वाले से, ये हो गया दो मल्टीप्लाई सिक्स और ये हो गया थ्री मल्टीप्लाई वन, इसे आप कर सकते हैं थ्री टू द सिक्स हो जाएगा टू टू द फोर और वन वनजा वन, यानी हो गया फोर बाई वन, यानी ये भी क्या है परिमेय संख्या है, भाग संक्रिया है, इसमें दो परिमेय संख्याओं का भाग किया तो भी परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है यानी अपवाद, तो अपवाद में क्या होता है ये कैंसिल हो जाता है, कैसे कि आपने एक बटा चार में भाग दिया जीरो का, जीरो तो परिमेय है, अभी हमने किया था जीरो परिमेय है क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, ठीक
ठीक है, तो एक बटा चार गुणा का चिन्ह आ गया भाग की जगह। अब नेक्स्ट वाली जो संख्या है परिमेय वो चेंज हो जाएगी, यानी 1/0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/0। गुणा करें तो 1 को 1 से किया तो 1, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 0। अब कभी भी हमने ये पढ़ा है, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वह होगी जो पी बटे क्यू में हो, लेकिन शर्त ये थी कि जो क्यू का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो वह परिमेय हो जाएगी, और यहाँ नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो गई? यहाँ 0 आ गया नीचे, नीचे 0 आने का मतलब क्या है? ये परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय वही होगी जो पी बटा की हो, नीचे का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। यहाँ 0 आ रहा है नीचे, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। इसका मतलब भाग के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यानी समर्थ नियम तीन चीजों में लागू हुआ, कौन कौन से में? जोड़ में, घटाने में और गुणा में। भाग में समर्थ नियम लागू नहीं होता है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला नियम, जो नियम है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में अगला नियम है क्रम विनिमय नियम, दूसरा। पहला पढ़ा हमने समर्थ नियम, अब है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समझे, क्रम क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान, ठीक है। और विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, आदान प्रदान। यानी क्या हुआ इसका? इसका तो हुआ स्थान का आदान प्रदान, यानी स्थानों का आदान प्रदान। जैसे जैसे मेरे पास ये ए है, दूसरा इधर बी है, ये अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ आना है, तुझे यहाँ, तू यहाँ आ जा। तो ये कह रहा है कि यहाँ चलो, ये स्थान बदल लिया आपस में, तो ये क्या हो गया? विनिमय। यानी स्थान बदलोगे तो B आ जाएगा और A यहाँ चला जाएगा, ठीक है। स्थान बदल लेने पर, चलो स्थान तो बदल लिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ेगा संक्रियाओं के माध्यम से। हम जो संक्रियाएं करेंगे इसमें, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये जो चार संक्रिया होगी, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पर, उसका प्रभाव देखेंगे। तो क्रम विनिमय नियम में देखते हैं, पहला नियम है क्रम विनिमय का वो योग के लिए। इसके लिए योग के लिए, योग के लिए कैसे? जैसे मैंने पहले स्थान पर ए है, दूसरे स्थान पर बी है, दोनों को जोड़ा, ठीक है, और मेरा आंसर सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी। ऐसे ही मैंने अब इसका स्थान बदल दिया, क्या बदल दिया? क्रम विनिमय कर दिया। क्या कर दिया? क्रम विनिमय, यानी स्थान बदल दिया, यानी बी आ गया, इसके बाद ए आ गया, ए प्लस, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो इनके जोड़ पे क्या प्रभाव पड़ा? इनके जोड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आंसर सी आएगा। यानी स्थान बदलने पर यदि इनका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस नियम के लिए सत्य होगा। यदि आंसर में फर्क पड़ता है तो वह सत्य नहीं होगा। हम देखें एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है और इसमें मैंने 1/6 जोड़ा, कितना जोड़ा? 1/6। तो इनका लघुत्तम दोगे तो लघुत्तम आगे इनका गुणा करोगे आपस में, तो 3/6 ये हो गया, 2/6 प्लस ये हो गया 3/1, आंसर हो गया इसका 6×12, 3×3 36 18, ये हो गया 15/18। कितना आंसर आ रहा है? 15/18। यानी 2/3 को 1/6 में जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है? 15/18। अब हम इनका स्थान बदल देते हैं, यानी ये दूसरे नंबर पे आ रहा था 1/6, और वो पहले नंबर पे आ गया। 2/3 पहले नंबर पे आ रहा था, ये 2/3 दूसरे नंबर पे आ गया है, प्लस का चिन्ह। अब इनको जोड़ के दिखाओ क्या ये आंसर आ रहा है। जोड़ते हैं, वही 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6×3,
तीन को इधर गुणा किया एक गुना तीन प्लस छह को इससे गुणा किया छह गुना दो तो ये हो गया तीन तीन एकम तीन छह दूनी बारह पचतिया अठारह दो बारह तीन पंद्रह बटे अठारह। क्या आंसर में कोई बदलाव आया? नहीं ना। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं को क्रम विनिमय करने के बाद जोड़ने पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब योग के लिए क्रम विनिमय क्या है? सत्य है। योग के लिए नियम क्या है? सत्य है। यानी क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। इसके लिए योग यानी जोड़ने के लिए सत्य है, क्योंकि चाहे ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो आंसर सेम आएगा। वो सेम आएगा तो अगर क्रम विनिमय में ये सत्य होगा। समझ के बाद दूसरा इसका जो नियम है वो देख लेते हैं। दूसरा जो हम इसका नियम देख रहे हैं वो नियम है घटाने के लिए यानी व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए देखें व्यवकलन क्या है। ए को बी में से घटाएं तो आंसर आए सी, और अब बी को ए में से घटाएं तो आंसर क्या होगा? सी आएगा। नहीं, आंसर डी आएगा, अलग आएगा। ये क्यों आएगा? उसे एग्जांपल के साथ समझे। जैसे दो बटे तीन है और इसमें से हम घटा रहे हैं एक बटे, कितना घटा रहे हैं एक बटे घटाओ मतलब उत्तम लेंगे तो गुणा करेंगे आपस में तीन दूनी छः, इसको इससे गुणा किया दो दूनी चार, इसको इससे गुणा किया तीन एकम तीन, आंसर कितना आ गया? चार में तीन गए तो एक बटे छः, कितना आ रहा है? एक बटे छः। अब इनका विनिमय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विनिमय यानी स्थान बदल दिया, यानी एक बटा दो पहले आ गया बी पहले आ गया, अब ए बार पे तो माइनस का दो बटा तीन, अब बटाओ देखिए वो तीन दूनी छः, इसमें आ गया तीन एकम तीन माइनस दो दूनी चार, अब आंसर क्या आएगा? आंसर एक बटा छः ही आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ क्या कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस, छोटी संख्या के साथ प्लस, तो चिन्ह यहाँ पे वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या कितनी है? ऊपर चार, चार के साथ क्या है? माइनस, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस, यानी एक संख्या आ रही है प्लस की एक बटा छः, तो दोबारा घटाने में कितनी आ रही है? माइनस का एक बटा छः। आंसर बदलाना, यानी एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है एक आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब व्यवकलन के लिए या घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। यहाँ पे ये नियम सत्य नहीं है। तो किसके लिए सत्य है? योग के लिए। माइनस के लिए सत्य नहीं है। समझ गए होंगे। इसके बाद अगला नियम देखते हैं वो है गुणा के लिए। किसके लिए नियम? गुणा के लिए। गुणा के लिए देखें, गुणा के लिए क्या होगा? तीन बटे चार गुणा करें पांच बटे आठ से, उससे गुणा कर दोगे पांच बटे आठ से या पांच बटे दो से कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, मैं वैसे बता देता हूँ कि आपने ए बटा बी को गुणा किया सी बटा डी से, या आपने C बटा D को गुणा किया A बटा B से, यानी क्रम चेंज कर दिया A बटा B बाद में आ गया C बटा D पहले आ गया, इसका आंसर होगा ए सी बटे बी डी और इसका आंसर होगा ए सी बटे बी डी। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपने गुणा किया ऐसा क्रम बदल देते हैं पाँच बटा दो पहले तीन बटा चार बाद में, इसका आंसर तो क्या हो गया? पंद्रह बटे आठ, पाँच से गुणा किया पंद्रह, चार को से गुणा किया आठ, ऐसे ही इसको गुणा करोगे पंद्रह बटे चार दूनी आठ, सेम आंसर आ रहा है ना, तो फर्क पड़ रहा है पंद्रह बटे आठ पंद्रह बटे आठ। यानी गुणा के लिए नियम क्या होता है? सत्य है। गुणा के लिए नियम क्या है? सत्य है। तो गलत किसके लिए था? घटाने के लिए। यानी क्रम विनिमय नियम आपका जोड़ और गुणा के लिए सत्य है, जबकि
बैठाने के लिए कह सकते हैं। एक बार भाग के लिए और देख लेते हैं, भाग के लिए जब आप देखेंगे तो इसके लिए भी ऐसा नियम होगा। कैसे? ए बटा बी ने भाग दिया सी बटा डी का, तो आंसर हो जाएगा इसका ए बटा बी, भाग वहां बदल गया ये हो जाएगा डी बटे सी, तो आंसर हो गया ए डी बटे बी सी। क्या हो गया? ए डी बटे बी सी। अब इसका विनिमय कर दिया आपने, क्या कर दिया? विनिमय यानी सी बटा डी में लिया गया भाग ए बटा बी भाग में, तो ये हो गया सी बटा डी गुणा बी बटा ए, तो आंसर हो गया आपका सी डी बटा डी ए। अब देखो यहाँ पे कह रहा था ए डी बटे बी सी, तो ये आ रहा है सी डी बटे डी ए, यानी इसका व्युत्क्रम आ रहा है, इसका मतलब ये नियम सत्य नहीं है। आप एग्जाम्पल देखें, दो बटा तीन भाग एक बटा दो, तो ये आएगा दो बटा तीन गुणा दो बटे एक यानी फोर बटे थ्री। इसके बाद आपने इसका विनिमय कर दिया, यानी एक बटा दो भाग दो बटा तीन, ये पहले आ गया ये बाद में आ गया, एक बटा दो गुणा तीन बटे दो, तो ये हो गया तीन बटे चार। इसका उल्टा आंसर आ रहा है, यहाँ पे चार बटा तीन, यहाँ पे तीन बटा चार, यानी अलग आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है? भाग के लिए। तो क्रम विनिमय नियम आपका दो चीजों के लिए लागू होता है, तो वो दो चीजें कौन सी है, दो संक्रियाएं कौन सी है? एक जोड़ना और एक गुणा करना। भाग के लिए और बैठाने के लिए क्रम विनिमय सत्य नहीं है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम देखो, संवर्त नियम है, किसके लिए लागू था? प्लस माइनस और गुणा के लिए, ठीक है। और आपका जो क्रम विनिमय नियम है वो किसके लिए लागू है? प्लस के लिए और गुणा के लिए। इसके बाद तीसरा जो नियम है हमारा वो है सातसरी नियम। कौन सा है? सातसरी नियम। सातसरी नियम समझे, सातसरी नियम लागू कर तीन संख्याओं में, कितने संख्याओं में? तीन संख्याओं में। जैसे एक संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। कैसे? कि योग के लिए देख लेते इसका नियम, यानी दो संख्याओं को आपने अलग जोड़ा, बी और सी को अलग जोड़ दिया, इनका जोड़ जो आएगा ना उसके बाद जो जोड़ बचेगा उसको ए में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर पॉइंट डी आ रहा है। या फिर ऐसा कर दें एक और बी को मैं पहले जोड़ दूं, इसके बाद सी को जोड़ दूं, पहले बी और सी को जोड़कर इनका जो आंसर आया उसको मैंने ये जोड़ा, हमारा आंसर डी आया। और मैं ए और बी को पहले जोड़ लेता हूं, उसके बाद सी को जोड़ूंगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी आएगा। यानी सात तरीके नियम किसके लिए सत्य होगा? योग के लिए, ठीक है। जैसे दो बटे तीन प्लस एक बटे चार प्लस दो बटे तीन बटे दो, ये नियम, ठीक है। दूसरा पहले मैं एक को अलग जोड़ रहा हूँ, पहले बी और सी को जोड़ा, और मैं ए और बी को पहले जोड़ देता हूँ, दो बटे तीन और एक बटा चार को मैंने पहले जोड़ दिया, उसके बाद मैं तीन बटा दो को जोड़ रहा हूँ, क्या मेरा आंसर सेम आएगा? चेक करता है। जोड़ने का एक नियम होता है बोर्ड मास नियम, संख्याओं का एक नियम होता है बोर्ड मास नियम। इसमें क्या होता है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर ब्रैकेट को जोड़ेंगे, दोनों को गुणा किया चार उन्नी आठ, गुणा किया दो एकम दो, फिर चार किया बारह, ठीक है। दो बटा तीन प्लस जो क्या, दो बटा तीन प्लस बारह चार चौदह बटे आठ, इनको गुणा किया जोड़ेंगे वापस, इनको गुणा किया आठ किया चौबीस, इसको गुणा किया आठ उन्नी सोलह, इसको गुणा किया तीन से 42, ये हो गया 58/24। क्या इसका आंसर वैसा ही आएगा? देख लेते हैं, पहले को जोड़ेंगे ब्रैकेट वाले को, तो 4 3 12 ये आएगा नीचे, ठीक है। और 4 को नीचे किया 8, उसको इसे किया 3, और बाद में जोड़ेंगे 3/2, ये हो गया 11/12 प्लस 3/2।
जैन को भारत ना 24 योग याद हो गया 2022 और योग आएगा 36 तो योग ने फिर से 58/24 यानी दोनों का आंसर क्या है सेम आ रहा है यानी पहले इन दोनों को जोड़ो बाद में एक को जोड़ो तो भी आंसर वही आ रहा है या पहली एक को जोड़ कर फिर सी जोड़ो तो भी आंसर वही आ रहा है इसका मतलब ये इसके लिए क्या है सत्य क्या है सत्य है ठीक है स्टूडेंट्स आज हमने जो नियम पढ़े वो नियम पढ़े समर्थ नियम परिवेशन क्या होंगे कर्मिने में नियम और हम पढ़ रहे थे साक्षरी नियम उसमें हमने योग के लिए तो पढ़ लिया योग के लिए साक्षरी नियम सत्य है बाकी जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद ठीक है।